27 घंटे गुजर चुके हैं, ये किस रफ्तार से जांच चल रही है कि एक भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। अगर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि सीधे सेवादार इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने आम लोगों को ढकेलना शुरू किया जिसके बाद भगदड़ मची और उसके बाद इस तरह के हालात पैदा हो गए, सेवादारों को ही गिरफ्तार कर लेते, सिर्फ FIR करके ऐसा लग रहा है कि खानापूर्ति की गई है। राजेश जी देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो यदि जो लोग घायल थे उनको प्रॉपर इलाज मिल सके, अस्पताल में उनकी जान बचाई जा सके, सरकार की पहली प्रायोरिटी वो थी। मुकदमा कायम हुआ और मुकदमे की जांच हो रही है। आज मुख्यमंत्री जी स्वयं गए, कल 3 मंत्रियों की कमेटी बना करके उन्होंने तुरंत वहां घटना स्थल पर भेजा, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, DGP और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव सब वहां कैंप कर रहे हैं। और रही बात गिरफ्तारी की, जांच हो रही है, निश्चित रूप से कोई भी दोषी व्यक्ति नहीं बच पाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई भी हो, उसको नहीं छोड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस घटना के पीछे कोई षड्यंत्र है या दुर्घटना है, इसकी जांच बाकी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है। तुरंत आप देख रहे हैं सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। सुबह होते ही माननीय मुख्यमंत्री जी घटना स्थल पर थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां घटना स्थल पर थे, पूरा कैंप कर रहे हैं वहां सब लोग, सब पूरा प्रशासन लगा हुआ है। और जहां तक इस कार्यक्रम के आयोजन की बात है, आयोजन वास्तव में जितने लोगों की परमिशन ली गई थी उतने लोग वहां नहीं थे, उससे बहुत अधिक थे। और ये बाबा लोग इस तरह के घटनाक्रम जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं उनमें इन सब तथ्यों को तो छुपाते, ये जांच का विषय, जांच होगी और दोषी नहीं बच पाएंगे। दोषी नहीं बच पाएंगे, जांच होगी, कब होगी, कब अंजाम तक पहुंचेगी, ऐसे बहुत सारे सवाल है ना राजेश जी, जिसका जवाब कब मिलेगा, क्योंकि जांच का जो प्रक्रिया या फिर रफ्तार रहती है उस सब से हम वाकिफ हैं। लेकिन घनश्याम तिवारी जी, आपके पास आते हुए मुख्यमंत्री यहां घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे और पहुंचने के साथ ही कहा कि इस पूरे मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो बाबा हैं उनकी फोटो किस नेता के साथ है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन अखिलेश यादव, जिन्होंने एक बार बाबा के कार्यक्रम में हिस्सेदारी की थी, उनका वो जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे थे। नमस्कार चित्रा जी, आपको, दर्शकों को और को-पैनलिस्ट को, समूचे उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए शोक की घड़ी है। 125 से ज्यादा जाने गई हैं और जिस तरीके से मीडिया ने खुलकर इस बात को दिखाया है पारदर्शी ढंग से कि लोग कह रहे हैं कि अगर प्रशासन मुस्तैद होता, रेस्क्यू और रिलीफ ठीक से कर पाता, या जिला के अस्पताल में मूल व्यवस्था भी होती, बेसिक व्यवस्था भी होती, तो जाने बच जाती। अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भीड़ जितनी परमिशन ली गई थी उससे अधिक थी, अलग अलग टीवी चैनलों के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से खबर आई है कि 70 से ज़्यादा वहाँ पुलिस के लोग थे। अगर 70 से ज़्यादा लोग प्रशासन के थे तो उन्हें पता चल गया होगा कि 80,000 का सैंक्शन था और 2.5 लाख के लोग कैसे आए, ये खबर होगी। उस पूरे जिले में सिर्फ एक ही आयोजन था जहाँ 2.5 लाख लोग एक भीड़ के रूप में जमा हैं। अगर इतने लोग जमा हैं तो क्या डिजास्टर रिलीफ के पैमाने के ढंग से क्या आपके पास एम्बुलेंस तैनात नहीं होनी चाहिए, क्या आपके पास रेस्क्यू मिशन रेडी नहीं होना चाहिए, क्या आपका जिला अस्पताल अलर्ट पे नहीं होना चाहिए? ये सब मूल सवाल हैं जिसके लिए कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है वो ये देख करके सवाल पूछ रहे हैं। इसके जवाब में प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कोई साजिश हो सकती है। जहाँ पर जिम्मेदारी लेने का अवसर है वहाँ पर आप साजिशों का दरबार लगा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से हटना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि लोग किसी तरीके से कुछ अन्य दिशा में सोचने लगें, आपसे आपकी जिम्मेदारी का बोध न कराएं। जहाँ तक बाबाओं का खेल का सवाल है, स्वयं मुख्यमंत्री जी अभी आपके कार्यक्रम में बता रहे थे कि किस तरीके से ये बाबा जो है बाबा के स्वरूप में आए और इनकी फॉलोइंग बढ़ी। तो आदित्यनाथ कौन सा IIT का एग्जाम टॉप करके राजनीति में आए थे? बाबाओं का के खेल की फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी स्वयं बनी हुई है, उसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर आदित्यनाथ हैं जिनको बहुत समय से टीवी पर बाबा ही कहा जाता है या योगी बाबा कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आदित्यनाथ कहते हैं किसी बाबा को कि वो बाबा जो है उसकी बैकग्राउंड की जाँच होनी चाहिए, तो आप तमाम लोगों की जाँच कराइए। आदित्यनाथ जी का भी बैकग्राउंड देखिए कि वो कौन सी सामाजिक सेवा करके राजनीतिक सीढ़ियाँ चढ़े हैं। हमारा देश आस्था का देश है, हमारा देश अध्यात्म का देश है, बहुत सारे लोग प्रवचन करते हैं, उनके साथ लोग जुड़ते हैं, लेकिन अगर परमिशन गलत दी जाए, उस पर प्रशासन मुस्तैद ना हो और अस्पताल में डॉक्टर तैनात ना हो, जाने जाती हैं, तो पहले जिम्मेदारी लीजिए बजाय इसके कि आप राजनीतिक दोष मढ़ें, आप किसी तस्वीर का जिक्र करें या बताएं कि ये साजिश है। यहाँ पर आपके सामने जो प्रत्यक्ष दर्शक हैं किसी ने भी नहीं कहा कि ये साजिश है, सबने कहा कि प्रशासन दोषी है।
ठीक है, इस पर जवाब दे दीजिए राजेश जी, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। राजेश चौधरी जी, जहां तक बाबाओं पर कमेंट कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो सबसे पहला फोटो तो अखिलेश यादव जी का ही आ रहा है। कैसे महिमा मंडन कर रहे हैं, जैसे उनके भगवान हो वो बाबा, जिस बाबा की आलोचना कर रहे हैं, जिस धर्म की आलोचना कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की ये रुचि है कि हिंदुत्व के जो लोग हों, साधु हों, सन्यासी हों, तपस्वी हों, उनका अपमान करना इनका बहुत इनका शौक का काम है। उन्होंने तुरंत कमेंट किया योगी आदित्यनाथ जी में, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपना जीवन धर्म के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए समर्पित किया है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आप उस पर कमेंट कर रहे हैं और आप खुद ही जाएंगे, आपके नेता खुद जाकर के ऐसे महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे भगवान का अवतार होकर के ये बाबा आया हो, तो ये इनके दोहरे चरित्र को दिखाता है। रही बात कार्यक्रम की, कार्यक्रम वास्तव में जितनी भीड़ वहां आनी चाहिए उससे अधिक आई। राजेश एफआईआर में नाम क्यों नहीं है बाबा का? होते हैं अगर उनके आयोजन में इतनी भारी तादाद में लोग आते हैं तो सेवादारों पर सिर्फ ठेकरा फोड़ देने से क्या चल जाएगा? क्यों नहीं जिम्मेदारी जवाबदेही तय होनी चाहिए बाबा की? क्या आप लोग भी बचने की कोशिश नहीं? ऐसा लग रहा है कि बाबाओं के नाम पर कोई भी पार्टी हो वो बहुत बच बच कर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। आप तो सरकार है ना चित्रा जी, ऐसा नहीं है कि बाबा को हमने बचा दिया है। जो जांच में दोषियों का, अभी तो जांच फॉर्म हुई है ना, अभी तो कमेटी बनी है और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है। कोई ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस केवल इसकी जांच कर रही हो। आप सरकार की गंभीरता देखिए ना, सरकार कल से लेकर के अब तक एकदम एक्टिव हो बोर्ड में और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसके पीछे क्या घटनाक्रम हुआ है, चाहे वो बाबा हो या कोई और उसके मैनेजर हो या सेवादार हो, किसी को नहीं छोड़ने वाली है सरकार। दोषियों को निश्चित रूप से सजा मिलने वाली है। मैं तो केवल समाजवादी पार्टी का करेक्टर बता रहा हूँ। जाकर 27 घंटे गुजर चुके हैं और एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद अपने पॉलिटिकल मेहमानों के पास लौटूंगी। विक्रम सिंह जी, 27 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, ना तो कोई सेवादार सामने आया है, ना ही बाबा सामने आया है। उन लोगों की ओर से कोई बयान भी नहीं दिया गया है और चमत्कार के बड़े बड़े दावे बाबा की ओर से किए जाते रहे कि पानी पिलाकर आपकी बीमारी ठीक कर देंगे, इस चमत्कार से आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। अब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं होना या फिर बाबा का इस तरह से गायब हो जाना और पुलिस का वहां तक नहीं पहुंच पाना, ये क्या दर्शाता है? ये सिर्फ दर्शाता है कि हम किसी असमंजस की स्थिति में है, उहापो में। बाबा और उनके सेवादारों के ऊपर 5-5 लाख का होना चाहिए था इनाम, एसटीएफ लगा के 24 घंटे में पुरस्कार घोषित पलायित अपराधी, भूमिगत अपराधी की तरह इनको ट्रीट करना चाहिए। ये बाबा नहीं, शातिर दिमाग का अपराधी है जिसके ऊपर 5 क्रिमिनल केसेस हैं और बहुत ही जघन्य किस्म के अपराध है, यौन शोषण से लेकर के बच्ची को जिंदा करना, कानपुर में जमीन को कब्जा करना नाजायज तरीके से, और इसके अलावा कोविड काल में भी समागम करके लोगों में दुर्व्यवस्था फैलाना। ऐसे व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की उदारता नहीं है। मेरा ये परामर्श होगा कि 5 लाख का इनाम करके 24 घंटे में इनको करें दस्तयाब। जांच तो होती ही रहती है, लेकिन जांच के जो शुरुआत होती है संग बुनियाद, वो कम से कम दिखाए कि हम गंभीर हैं इनको गिरफ्तार करने में। ऐसा तो नहीं है इस जांच की आड़ में हम बाबा और उनके सेवादार, एक तो एफआईआर में बाबा का नाम नहीं, क्यों नहीं? सेवादार हमारे थे या विद्वान पैलेस के थे? सेवादार इसी तथाकथित बाबा के थे, इसलिए बाबा सेवादार सब पुरस्कार घोषित अपराधी हो जाने चाहिए। इनके पीछे डेडिकेटेड टीम लगनी चाहिए। 5 अपराधों में जो मतलूब रहा है, जो इन्वॉल्व रहा है, उसके ऊपर किस प्रकार की उदारता है? और आपने बिल्कुल सही कहा, एक एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, मैजिक रेमेडीज एक्ट 1955। इस तरीके के जो दावे करते हैं उनके ऊपर इस एक्ट के अंतर्गत भी होने चाहिए। पानी पी तो ठीक हो जाओगे, बच्ची गुजर गई है हम उसको जिंदा कर देंगे, इस तरीके के जो सपनों का निर्माण करते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं अपनी वाक्पटुता से, ऐसे लोगों के बारे में कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको एक तरीके से बेनकाब करना चाहिए, न कि महिमा मंडित करना चाहिए। चित्रा जी, एक और सवाल जिसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी, क्योंकि बाबा लोगों के मामले में हमने देखा है सारी राजनीतिक पार्टियों का रंग एक जैसा हो जाता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो। बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, सवाल सत्ता पक्ष से पूछा जा रहा है तो सेवादार की बात बार बार कही जा रही है। अखिलेश यादव बाबा के समागम में आते हैं, सवाल पूछा जाता है बाबा को लेकर तो उनकी ओर से चैनल को लेकर ही तमाम बातें कह दी जाती हैं। दोनों में कोई बड़ा फर्क दिखाई नहीं देता है, लेकिन मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, 121 लोगों की जान के चले जाने के बावजूद आपने कहा उहापोह की स्थिति है बाबा को लेकर, उनके सेवादारों को लेकर,
वो क्या स्थिति है जो सरकार को कड़े एक्शन लेने से अभी तक रोक रही है? क्योंकि अगर कोई और होता, जरा सोचे 121 मौतों का गुनहगार, तो फिर इस समय उसकी क्या स्थिति हो रही होती? चित्रा जी, 121 नहीं, 127 मौतों का आंकड़ा हो चुका है। और ये मान के चलिए कि हंटर की चोट न सिर्फ सुनाई पड़नी चाहिए, दिखाई पड़नी चाहिए। और इनके ऊपर अगर पुरस्कार अब तक घोषित नहीं हुआ, FIR में नाम नहीं आया, इससे साफ दिखाई पड़ता है कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। ये एक, मैं राजनीति से मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, मेरा विषय भी नहीं है, लेकिन कानून ये कहता है कि ऐसे इस तरीके के छद्मवेशी जो समाज के दुश्मन है, स्लो पॉइजन करते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए। यहाँ प्राथमिकता तो चित्रा जी छोड़ दीजिए, यहाँ तो लगता है कि मामला खल तपल किया जा रहा है, और खल तपल अगर किया तो ये और ज्यादा ये कॉम्प्लिकेट होगा। बेहतर ये होगा इन सब के ऊपर बाबा और सेवादार के ऊपर कार्रवाई हो और DMSP हाथरस ऊपर कार्रवाई हो। ये कोई बहुत बड़ी चीज है, जांच जब होगी तब होगी, जब रिपोर्ट आएगी तब आएगी। लेकिन जो हैरानी इस बात की है कि अभी तक न कोई सेवादार सामने आया है, न बाबा सामने आया है, उनके बारे में कोई जानकारी, और 121 मौतों के होने के बावजूद अभी तक उन लोगों की ओर से दुख भी नहीं जाहिर किया गया है, क्योंकि उनका ये समागम था, उनका ये कार्यक्रम था, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं करते हो उन परिवारों को लेकर जिनको आप मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए यहाँ पर 2.5 लाख की तादाद में इकट्ठा किए गए थे। एक और सवाल का जवाब उसके बाद मैं रत्नाकर जी आपके पास आ रही हूँ। मेरा ये सवाल है विक्रम सिंह जी आपसे, पुलिस प्रशासन की चूक कितनी बड़ी यहां पर निकलकर सामने आई है, क्योंकि 2.5 लाख लोग यहां पर थे और बार बार अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, जिनमें से कोई 40 बता रहा है, कोई 70 बता रहा है, लेकिन इसी के बीच यहां पर पुलिस वालों की मौजूदगी थी और प्रशासन के लोगों को भीतर भी सेवादार नहीं जाने दिए, तो यहां पर कितनी बड़ी चूक पुलिस और प्रशासन के नजरिए से आपको दिखाई देती है? क्रिमिनल नेग्लिजेंस, भयावह चूक। इसमें रूल बुक का एक एक अंश तार तार किया गया। हर जिले में आंतरिक सुरक्षा योजना है और इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम है, उसको अगर आप पढ़ लेते एक बार तो आप, ये 2.5 लाख की भीड़ अकस्मात तो आई नहीं है, इसमें कम से कम 6-7 घंटे लगते हैं। नेशनल हाईवे के बगल में आपका समागम स्थल है, वहां ट्रैफिक जाम हुआ, लोगों ने शिकायत की कि ट्रैफिक जाम हो गया है, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, री इन्फोर्समेंट नहीं भेजे, जो रेस्क्यू ऑपरेशन होने चाहिए थे उसके एग्जिट और एंट्री रूट को चिन्हित नहीं किया, अस्पतालों को तैयार नहीं किया, एमरजेंसी मेडिकल इंटरवेंशन की व्यवस्था नहीं की। लुब्बे लुबाब चित्रा जी, ये है कि इन्होंने ये रूल बुक में जो भी 1 से 18 तक के इंतजाम है उसमें एक चीज में भी काम नहीं हुआ, और परिणाम आपके सामने है। ये अवॉइडेबल ट्रेजेडी थी, दुर्भाग्य ही है, ये अवॉइडेबल ट्रेजेडी थी, नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने इसको, जिसको कहते हैं, हमने दावतनामा देके इस मुसीबत को अपनी गोद में लिया है, और यही अपने आप में सबसे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश के सामने पैदा करता है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, अब आपके पास आते हुए, देखिए जब भी बाबा लोगों का कार्यक्रम होता है उनकी ओर से सरकार को आश्वासन दिया जाता है कि भैया हम इतने लोगों को बुलाएंगे, हमारे तमाम सेवादार हैं, और कोई 1-2 साल से नहीं, सालों से वो इस तरह के कार्यक्रम लगातार बाबा करते हुए चले आ रहे थे, लेकिन यहां पर उनकी ओर से गलत आंकड़े पुलिस प्रशासन को दिए गए, जिसके बाद चूक का पूरा मामला, लेकिन अब न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी, SIT पूरे मामले की जांच कर रही है, तो क्या इतना काफी नहीं है रत्नाकर जी? मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस गंभीर और संवेदनशील मामले में राजनीति बंद होनी चाहिए। मैं सबसे पहले चित्रा जी, जो जिनके घर की क्षति हुई है, जो मृतक हैं, उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और आपके चैनल के सभी दर्शकों से ये अपील करता हूं कि ये भोले बाबा नहीं है, ये भाले बाबा है। इस तरह के बाबाओं से खुद दूर रहे, दूसरों को दूर रखे, ताकि किसी के घर का चिराग न बुझे। और तीसरी चीज, मैं माननीय जो DGP साहब हैं, उनको मैं इस बात के लिए सलाम करता हूं कि इनकी बेबाकी जो थी वो नौकरी के पहले भी और नौकरी के बाद भी सलामत है। नहीं चित्रा जी, ये एकदम भी आप जो कह रहे हैं ये सफिशियंट नहीं है। इसलिए ये सफिशियंट नहीं है कि प्रशासन की नियुक्ति, जब आप राजनीति कहते हैं, जब योगी जी ने कहा राजनीति तो उन्होंने राजनीति घुसेड़ दी। राजनीतिक अपॉइंटमेंट होते हैं प्रशासन। मैं आपके बयान और आपके अरविंद ओझा जी और एक आदमी के बयान के बीच की निकालता हूं, जो आपकी पत्रकारिता है। आपके जो पहले पत्रकार थे उन्होंने कहा था कि पुलिस का हुटर और पुलिस का एस्कॉर्ट चलता है।